नीतीश कुमार के द्वारा 2020 में विधानसभा चुनाव पूर्व किए गए बीजेपी के साथ गठबंधन और एनडीए से नाता तोड़ महागठबंधन के साथ मिलने के विरोध में जिला स्तर पर बीजेपी द्वारा पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस क्रम में मुंगेर में शहीद स्मारक के समीप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राजेश जैन के नेतृत्व में धरना दिया, जिसे संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश की चोरी की और वे आरजेडी के साथ मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया था, ऐसे में नीतीश कुमार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है तथा बिहार में फिर से जंगल राज की शुरुआत हो रही है। बिहार में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया गया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह हम लोगों ने राज्य में भी उनके खिलाफ धरना दिया। आज जिला मुख्यालय पर पूरे बिहार में हम लोग धरना देकर ये बताने का काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो नए नेतृत्व में सरकार बनी है, उसने पूरी तरह बिहार के जनता के साथ धोखा किया, बिहार के साथ अन्याय किया, लोकतंत्र का हत्या किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बिहार में वोट पड़ा था और ये वोट की चोरी कर महागठबंधन के साथ जाने का काम किया और जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, बिहार की जनता कभी भी नीतीश कुमार को इसके लिए माफ नहीं। देशवा न्यूज के लिए मुंगेर से मनीष कुमार की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।